सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू दादा भाई टेक चैनल पर, चलिए शुरू करते हैं टेक की बातें का एपिसोड। पहला जो टेक न्यूज आ रही है सैमसंग गैलेक्सी F62 आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है, उसके बेहतरीन प्राइस के साथ इसमें लॉन्च हुआ, जो इसकी प्राइस देखिए 23,999 रुपये में देखने को मिल सकती है। इसमें आपको 7,000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, साथ में जो इसमें प्रोसेसर लगा है एक्सोनस का एक फास्ट रेंज वाला बहुत फास्ट चलने वाला एक प्रोसेसर लगा है, जिसमें आपको ARM वाली GPU प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, बहुत बेहतरीन प्रोसेसर के साथ सैमसंग गैलेक्सी F62 प्रोसेसर आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है बेहतरीन प्राइस के साथ, ये फोन लॉन्च हो चुका है और बहुत जल्दी और भी फोन देखने को मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से। दूसरा टेक न्यूज़ रियलमी तब से रियलमी नार्जो 30 सीरीज का जो बॉक्स था, मतलब ऐसे कुछ दिन पहले मतलब माधव शेट ने कुछ ट्वीट किया था कि एक ऐसे बॉक्स देखने को मिल सकता है, मतलब उसमें ऐसे 6 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें जो एक बॉक्स था उसको बहुत प्रेफर किया गया लोगों ने, तो उस तरह का बॉक्स देखने को मिल सकता है रियलमी नार्जो 13 सीरीज। ऐसा कुछ न्यूज आ रही कि रियलमी जो नार्जो 13 सीरीज है एक 5G वेरिएंट बजट फोन फरवरी के एंड तक आपको देखने को मिल सकता है रियलमी नार्जो 30 सीरीज, और ऐसा कुछ न्यूज बहुत बेहतरीन हो सकता है एक 15,000 के बीच में 5G वेरिएंट वाला फोन जो रियलमी बहुत जल्दी लाने वाला है और बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है रियलमी की तरफ से। तीसरी टेक्नोलॉजी आ रही है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला का एक फोन देखने को मिल सकता है मोटरोला E7 पावर, जिसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकता है, हीलियो G25 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, बहुत बेहतरीन प्रोसेसर के साथ ये फोन लॉन्च होगा। इसकी लॉन्च डेट फिक्स हुई 19 का लॉन्च फिक्स होगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी जो प्राइस भी गेस किया था कुछ 10,000 के बीच में देखने को मिल सकता है मोटरोला E7 पावर की तरफ से, बहुत जल्दी स्पेसिफिकेशन के साथ फोन लॉन्च होगा बजट में, मतलब मोटरोला बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और बहुत जल्दी सक्सेस भी पा सकता है। और जो जारी वाली वीवो की तरफ से वीवो S9 जो सीरीज वाला फोन है 6 मार्च को चाइना में लॉन्च हो जाएंगे, और ऐसा कुछ न्यूज आ रही वीवो की तरफ से वीवो के 11 फोन इस अप्रैल तक 11 फोन इंडिया में लॉन्च कर सकता है, उसमें आपको वीवो के X60 वाले सीरीज भी देखने को मिल सकता है, S21 वाले भी सीरीज देखने को मिल सकती है, बेहतरीन फोन जो वीवो के 11 फोन इस मतलब अप्रैल तक आपको लॉन्च हो जाएंगे वीवो की तरफ से, और देखते किस रेंज में लॉन्च होते किस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होते, बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है वीवो की तरफ से। और जो छठे टुक में जारी वाली पांचवे टुक में जारी वाली टिकटॉक की तरफ से, टिकटॉक जो टिकटॉक वैसा की न्यूज आ रही है कम बैक कर सकता है, कि मतलब टिकटॉक को बाइटी डांस मतलब सेल कर रहा है, उसके असिस्टेंट जो है उसको बेच रहा है, मतलब ग्लैंस नाम की कंपनी उसको मतलब उसके साथ कुछ कम्पीट करते हैं, मतलब उसके साथ लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब ग्लैंस जो है इंडियन कंपनी है उसके साथ बेचने की सोच रहा है, हम देखते भी क्या हो सकता है टिकटॉक कम बैक होंगे या फिर उसके बाद वो उसी नाम से आएंगे क्योंकि दूसरे नाम से देखने को मिल सकता है टिकटॉक, ऐसे कुछ न्यूज आ रही है, देखते क्या रूमर है पिंच ऑफ साउट एक रूमर है, देखती है कंफर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कुछ न्यूज आ रही है देखते क्या न्यूज आती है। दूसरे न्यूज आ रही है कार्बन की तरफ से, कार्बन K9 Max फोन देखने को मिल सकता है, बीस साइड इफेक्ट जो इंडिया की तरफ इंडिया में, और बहुत जल्दी कार्बन का एक फोन देखने को मिल सकता है, कुछ न्यूज आ रही है। थैंक यू वीडियो सब्सक्राइब।